अमेरिकी मुद्रा स्फीति में जोरदार तेजी देखने को मिल रही है, जिसका असर हर चीज के साथ सोयाबीन की कीमतों पर पड़ता दिखाई दिया है। फंडामेंटल्स और चार्ट्स अमेरिका में बढ़ती मुद्रा स्फीति के बीच सोयाबीन की कीमतें $16 प्रति बुशल की ओर बढ़ने का संकेत दे रहे हैं। यूएस सोयाबीन वायदा भी लगातार तेज ही देखने को मिल रहा है। यूएस सोयाबीन वायदा $1570 के पार निकला है, जो कि बीते सप्ताह $1530 पर था। ब्राजील और अर्जेंटीना में सूखे के चलते सोयाबीन का उत्पादन कम रहने का अनुमान है, जिससे सोयाबीन की वैश्विक आपूर्ति कम रह सकती है। अगर ब्राजील और अर्जेंटीना में उत्पादन कम रहा तो ब्राजील और अर्जेंटीना से सोयाबीन का आयात करने वाले देश अमेरिका की ओर रुख कर सकते हैं, जिससे अमेरिका का सोयाबीन निर्यात बढ़ सकता है और कीमतों में उछाल आ सकता है। ब्राजील और अर्जेंटीना में कम उत्पादन का मतलब है अमेरिका सोयाबीन की डिमांड बढ़ जाना, जिससे कीमतों में उछाल आना तय है। और इसी का नतीजा है कि आज हफ्ते के पहले कारोबारी दिन सोमवार को सोयाबीन का फरवरी वायदा NCDEX पर 6600 के पार निकला है, वहीं अप्रैल वायदा 6700 के पार। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में तेजी के चलते घरेलू वायदा भी आज काफी दिनों के बाद तेज देखने को मिला है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।